हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू चलिए करते हैं वर्कशीट नंबर सेवेंटी सिक्स फॉर द डेट फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड दिस वर्कशीट इज फॉर क्लास सिक्स सेवन एंड एट इट इज़ द कॉमन वर्कशीट एंड डू इट इन द इंग्लिश मीडियम ओके सो लेट्स स्टार्ट रोहन हैड कम टू द सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम रोहन पहली बार जो है सिटी आया है ही सर लॉर्ड्स ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड उसने रोड पर बहुत सारे व्हीकल्स को चलते हुए देखा ही वेंट टू विजिट द सिटी बाई कार और वो फिर सिटी की पूरी सैर करने के लिए कार से गया हिज़ अंकल स्टॉप द कार इन बिटवीन टू गेट सम फ्यूल इन इट उसके अंकल ने कार को बीच में ही रोका था ताकि वो उसमें फ्यूल डलवा सकें फ्यूल क्या होता है पेट्रोल या डीजल या सी एन जी रोहन आस्क हिज़ अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस पेट्रोल रोहन ने अपने अंकल से ये क्वेश्चन पूछा कि हम ये पेट्रोल कहाँ से प्राप्त करते हैं हिज़ अंकल टोल्ड हिम दैट पेट्रोल इज ऑपटेन फ्रॉम अ ब्लैक कलर्ड थिक ऑयली लिक्विड काल्ड पेट्रोलियम तो पेट्रोल जो हमें मिलता है वो एक ब्लैक कलर का थिक ऑयली लिक्विड होता है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं उससे हमें पेट्रोल मिलता है और उसी से हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इट्स अ नेचुरल फ्यूल ये एक प्राकृतिक ईंधन है फ्यूल होता है ईंधन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्र्यूड ऑयल तो पेट्रोलियम को हम क्र्यूड ऑयल भी कहते हैं और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तो देखो क्या क्या मिलती हैं इट इज़ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्री हिस्टोरिक मेरीन क्रिएचर्स ऑर्गेनिज़म्स अंडर स्पेशल कंडीशंस तो हमारे जो पुराने ज़माने के यानी कि हमारी जो बहुत पुरानी हिस्ट्री है उस समय में जो ऑर्गेनिज़म या क्रिएचर्स जो थे जो ज़मीन के नीचे दब गए थे या बहुत सालों से पुराने पुराने जो हैं वो पड़े हुए हैं ज़मीन के अंदर उनकी वजह से ये बनता है बहुत उसको स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं उसके प्रोडक्शन के लिए तब ये जाकर बनता है एंड वी कैन ऑप्टेन वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेट्रोलियम और हम पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं जैसे कि ये पूरी एक प्रोसेस होती है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं जिसे आप अपनी अगली क्लासेस में भी पढ़ोगे अच्छे से तो अभी हम जान लेते हैं कि पेट्रोलियम से या क्रूड ऑयल से हमें कितनी चीज़ें मिलती हैं तो हमें मिलता है बेटा इससे पेट्रोल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी ये भी हम गाड़ियों में भरवाते हैं डीजल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी जो हमारे घरों में यूज़ होती है विच इज़ यूज टू कुक फूड इन आर हाउस होल्ड्स एंड सी एन जी इज़ यूज एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स तो ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो दे रखा है ये बिल्कुल ऐसे ब्लैक कलर का जो ग्रीसीजा ऑयल है इसी को हम क्रीड ऑयल बोलते हैं और इससे जब प्रोडक्ट्स बनते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं तो जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हैवी फ्यूल या बंक फ्यूल इसको बोलते हैं जेट फ्यूल यहाँ से मिलता है डीजल फ्यूल हीटिंग ऑयल और गैसोलीन। तो ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म पेट्रोलियम और इसके लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं ठीक है हज़ारों लाखों सालों में जाके पेट्रोलियम बन पाता है वी शुड यूज़ पेट्रोल वाइजली तो अब इतने साल लग जाते हैं इसको बनने में और हम इतनी स्पीड से इसको खर्च करते जा रहे हैं तो हमारे जो धरती है वहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार जल्द ही ख़त्म भी हो सकते हैं अगर हम इसी तरीके से इसको यूज़ करते रहे तो तो हमें बहुत सारी अपनी हैबिट सुधारनी होंगी जिससे हम अपने पेट्रोल को बचा सकें इसके भंडार जो पृथ्वी पे बचे हुए हैं उनको बचा के रख सकें और ज़्यादा लंबे समय तक उनका इस्तेमाल कर सकें क्योंकि पेट्रोलियम को बनने में साल या दो साल नहीं लगते बल्कि हजारों लाखों साल लग जाते हैं तो वी शुड यूज़ पेट्रोल वाइजली तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अभी जो पेट्रोल अवेलेबल है उसको वाइजली यूज़ करें बुद्धिमत्ता से यूज़ करें इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल वी कैन स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट्स हम अपने रेड लाइट्स पर इंजन को स्विच ऑफ कर लें बंद कर लें वी कैन वॉक और यूज़ bicycle टू कवर शॉर्ट distances। हमें पैदल जाना चाहिए अगर हम छोटी जगहों पर छोटे रास्ते का ट्रैवल करना है या फिर हमें अपनी bicycles यूज़ कर लेनी चाहिए उसमें तो कोई पेट्रोल नहीं लगता तो बेटा ये आज की वर्कशीट थी और अब जो इसके है इसके क्वेश्चंस हैं फोर क्वेश्चंस, तो इसके क्वेश्चंस आंसर देखते हैं तो बेटा ये हैं आज के प्रश्न तो इस इन्हीं का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हो लेकिन बेटा मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप पूरे वर्कशीट को पहले अच्छे से समझा करो ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो इस वर्कशीट को समझिए ताकि कुछ और अगर कोई क्वेश्चन इसमें से बनता है वो भी आपको क्लियर होता हो और वर्कशीट्स ये बहुत ज़्यादा नॉलेजबल हैं इनसे आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हो तो पूरी वर्कशीट को पहले समझ लीजिए उसके बाद से क्वेश्चन आंसर आपको वर्कशीट से मिल सकते हैं आप उनमें से भी कर सकते हो तो अगर आपने अपने आंसर्स ढूंढ लिए हैं तो आप एक बार वीडियो से देखें समझें उसको अच्छे से कुछ मिस हो गया है वो आपका क्लियर हो जाएगा कोई डाउट है वो क्लियर हो जाएगा अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को लिख भी सकते हैं अच्छी लैंग्वेज में तो ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट द फुल फॉर्म ऑफ सी एन जी एंड एल पी जी तो फुल फॉर्म ऑफ सी एन जी इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड एल पी जी इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसके यूजेस के लिए आप यहाँ लिखेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इट इज़ यूज फॉर ऐसे लिखिए इसे इट इज़ यूज एज फ्यूल इन व्हीकल्स बहुत सारे व्हीकल्स में इसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को आप इसका इसका जो यूज़ है वो कैसे लिखेंगे इट इज़ यूज एज फ्यूल फोर कुकिंग ये हमारे घरों में कुकिंग के लिए एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है तो हमारे फुल फॉर्म्स हो गए और इसके यूजेज़ भी हो गए दोनों के आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू कहता है हाउ कैन वी सेव पेट्रोल सजेस्ट सम ऑप्शन एंड एक्टिविटीज़ तो हम अपने पेट्रोल को कैसे सेव करके रख सकते हैं कुछ एक्टिविटीज़ आप इसमें सजेस्ट कर सकते हैं तो इसका आंसर इसके लिए मैंने तीन पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं आप हो सके तो और पॉइंट्स एड ऑन करके लिखिए वी शुड यूज़ पेट्रोल वाइजली हमें पेट्रोल को बुद्धिमत्ता से यूज़ करना है वी शुड स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट्स रेड लाइट्स पर हम अपने इंजन को बंद कर लें वी कैन वॉक और यूज़ बाइसिकल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेज हमें वॉकिंग या फिर बाइसिकल का यूज़ करना चाहिए शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए इसके अलावा आप जो भी पॉइंट ऐड करें वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें ठीक है आगे चलते हैं राइट अ स्लोगन टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट टू सेव पेट्रोल पेट्रोल बचाने के लिए आपको स्लोगन लिखना है तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बताऊँगी स्लोगन एक होता है बेटा स्लोगन और दूसरा होता है पोस्टर तो पोस्टर क्या होता है पोस्टर में आप पेंट करते हैं आप एक ड्राइंग बनाते हैं और उस ड्राइंग से ही क्लियर हो जाता है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो लेकिन स्लोगन में हमें ड्राॅइंग नहीं बनानी होती बल्कि हमें स्लोगन में एक सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिखने का तरीका भी आपका उसमें देखा जाता है कि आप कितने क्रिएटिवली लिख रहे हो तो स्लोगन में क्या होता है आप एक लाइन लिखते हैं जिसका पॉइटिक इफ़ेक्ट होता है जैसे पोइम्स में होता है इस तरीके से होता है उसमें भी तो इस तरीके से आप कोई स्लोगन लिख सकते हो ठीक है कोई अच्छी सी बात इससे रिलेटेड लिख सकते हो जिसका एकदम से प्रभाव पड़े जो भी इसको सुने या देखे उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़े एकदम से तो हम स्लोगन लिखेंगे इसमें तो ड्राइंग एज सच कुछ बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है फिर भी अगर आप थोड़ा सा अपने मैसेज के साथ में हल्का सा इफेक्ट देना चाहते हो तो आप बना सकते हो जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ड्रॉप बनाई गई है और ड्रॉप ये किसकी है पेट्रोल की है और हमारा स्लोगन क्या कहता है गेट द मोस्ट आउट ऑफ एवरी ड्रॉप एक एक बूंद से जितना मै मैक्सिमम हम ले सकते हैं उतना उसको प्रयोग करें है ना फिर आगे जो है इससे क्या होगा कि वेस्ट वेस्टेज जो है वो कम होगी उसके बाद कोई एक और स्लोगन आप जैसे देख सकते हो इफ़ यू आर गोइंग लेस देन अ मील माइल अगर आप एक मील से कम कहीं जा रहे हो ठीक है तो डोंट ड्राइव वॉक अवाइल तो आप ड्राइव मत कीजिए बल्कि थोड़ा सा चल लीजिए एक और स्लोगन मैंने लिखा है डोंट बी क्रूअल कंजर्व योर फ्यूल तो इतने निर्दयी न बनिए और अपने फ्यूल को कंजर्व करके रखिए संरक्षित करके रखिए तो इनमें से कोई भी स्लोगन या तीनों स्लोगन्स आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो ठीक है अगला जो प्रश्न कहता है फोर्थ व्हाट वुड हैपन इफ द पेट्रोल इज़ फिनिश्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द अर्थ राइट योर व्यूज़ अपने व्यूज़ बताने हैं आपने अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है अर्थ पे से कम्प्लीटली तो क्या होगा तो सबसे पहली बात एकदम से जो है ना हड़बड़ी मच जाएगी लोगों में पेट्रोल ख़त्म हो गया कैसे हम मूव करेंगे कैसे कहाँ जाएंगे तो इसके लिए आप कुछ पॉइंट्स लिखिए पेट्रोल विल बी फिनिश्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द अर्थ फर्स्ट पॉइंट देर विल बी मैनी प्रॉब्लम्स इन आर डेली लाइफ हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी मैनी इंडस्ट्रीज़ विल नॉट वर्क विदाउट फ्यूल लाइक पेट्रोल बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में पेट्रोल को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है मशीनरी चलाने के लिए वो सब काम रुक जाएंगे व्हीकल्स विल नॉट रन ऑन रोड्स व्हीकल नहीं चलेंगे रोड्स पर खाली हो जाएंगे रोड्स वी विल हैव टू गो थ्रू वॉक और साइकिल्स टू गो समवेयर हमें अगर कहीं जाना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे साइकिल का या फिर वॉक का उसके बाद वी विल नीड टू शिफ़्ट टू न्यू रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी विंड एनर्जी तो हमें ऐसे नए आल्टरनेटिव रिसोर्स ढूंढने होंगे जिससे कि हम पेट्रोल को बचा सकें और ये तो हमें अभी कर देना चाहिए इनफैक्ट बहुत सारे देशों में बहुत सारे हमारी जगह हमारे देश की जगहों में भी इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है लोगों ने ताकि ऐसे जो हमारे रिसोर्स हैं जो जल्दी ख़त्म होने वाले हैं उनका अभी संरक्षण किया जा सके और नए अल्टरनेटिव रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा सके तो अगर आपके दिमाग में कोई और आ रहा है बात तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ठीक है तो ये आपकी वर्कशीट थी इसे कंप्लीट करके अपने टीचर्स को सबमिट करिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों